हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो पहले तो ये बताओ, ये लुक कैसा लग रहा है? एंड मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके का स्मोकी आइस की है। मैं क्लास में भी जब सीख रही थी तब बहुत डरती थी स्मोकी आइस करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट हो जाता है इस वजह से। बट मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है, पहले भी किया था, बट इस टाइम दो बार से मैं स्मोकी आइस कर रही हूँ। एंड ये लुक कैसा लग रहा है पहले ये बताना आप मुझे। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस लुक को क्रिएट करने में। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने प्लम का मिस्ट ले लिया है। ये बहुत बहुत अच्छा है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है एंड बहुत हाइड्रेटिंग फील करा दे रहा है आपको। नेक्स्ट मैंने डॉट एंड ग्री का मॉइस्चराइजर लिया है जो लाइट वेट है, समर चल रहे हैं तो लाइट वेट मॉइस्चराइजर। फिर मैंने सिस ब्यूटी की स्ट्रोक क्रीम ले लिया है एंड इसकी बात क्या कहूँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना सुंदर ग्लो प्रोवाइड कर दिया है इसने एंड बहुत अच्छा है। फिर मेबलिन का कंसीलर ले लिया है मैंने अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर लिया है। फिर फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एंड मेरा फेवरेट फॉर्म कॉम्पैक्ट है ये, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मूला है एंड बहुत अफोर्डेबल है। फिर नेक्स्ट मैंने सिस ब्यूटी की पैलेट ली है एंड उससे मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ कर ली है लाइट ब्राउन ऑरेंज शेड्स में। फिर मैंने ये पॉपम की माइग्लैम की ली है, उसमें मैंने पिंक शेड मिक्स किया थोड़ा सा। फिर अगेन मैं स्मोकी आइस कर रही थी बट मैंने जेल लाइनर और मेरे पे नहीं है तो मैं इसे ही कर रही थी। फिर मैंने अपनी सिस ब्यूटी वाली पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर लिया है एंड देख सकते हैं इसकी पिगमेंट कितनी अमेजिंग है एंड इसकी प्राइस इतना अफोर्डेबल है कि मैं बता नहीं सकती आपको, 200 समथिंग की आती है। फिर मैंने रेवोल्यूशन की पैलेट लिया, उसमें से ब्लैक कलर मैंने लिया शेडो एंड लाइनर की तरह उसे अप्लाई किया एंड उसको मर्ज कर दिया है। अच्छे से मर्ज करना है कि आपकी ज़्यादा दिखे ना थुपा हुआ सा, अच्छे से मर्ज करना है आपको। ब्रश अच्छा सा लेने में है और आप ब्रश पैक के भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप पे पैक नहीं है तो कलर बार के ब्रशेस बहुत बहुत अच्छे हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। वैन स्विज ब्यूटी बहुत अफोर्डेबल जाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने फाउंडेशन ले लिया है लैक्मे का, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छी खासी कवरेज दे देता है। आप देख सकते हैं मेरे फेस कितना अच्छा हो गया है एंड जो स्ट्रोब क्रीम लगाई थी उससे शाइन भी देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। अगेन मैंने फिर मेबलिन का कंसीलर ले लिया है, जहाँ मुझे हाइलाइटिंग करना था अपना वहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग किया है अपने बहुत अच्छे तरीके से एंड मेरे शेड से 2 शेड लाइट है। आप कभी भी कंसीलर अप्लाई करो तो लाइट ही लें एंड ब्रॉन्जर लें तो थोड़ा सा डार्क लें, बहुत अच्छा है। आप मेबलिन पे भी जा सकते हैं एंड स्विस ब्यूटी भी बहुत अच्छा है, हाई एंड ब्रांड को टक्कर देता है स्विस ब्यूटी भी। फिर अगेन मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है और ये कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया बट मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैंने अगेन दोबारा ये परचेज के लिए ऑर्डर कर दिया है, ज़रूर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की ब्लशर पैलेट, इसमें कंटूर हाइलाइटर्स ब्लशर सब है, मस्ट हैव है। 350 रुपये की आती है यार, 350 रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिलता बट बहुत अच्छी डील पे मुझे मिल गई थी। मैंने ऑफ पे लिया था 10%, उस पर तो और अच्छा डील मिल जाएगी। फिर ब्लश अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिगमेंट है और आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी दिख रही होगी। मैंने बहुत अच्छी चीज़ ली है, मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। मैं शॉर्ट जल्दी अप्लाई वहाँ पे डालूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैं बहुत खुश थी लेने के बाद। फिर मैंने लिया हाईलाइटर उसी पैलेट में से, फिर मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ अपनी। आईब्रो बिल्कुल भी कभी भी मिस मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इसको करने के बाद ना आपका लुक चेंज हो जाता है, एक लैशेज एक आईब्रो फिल, आप दो चीज़ करें ना तो उससे पूरा लुक चेंज हो सकता है। एंड बहुत अच्छे से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसको स्पूली की हेल्प से कर दिया मैंने। फिर मस्कारा ले लिया अगेन मेबलिन का मैंने एंड देख सकते हैं ये भी एक गेम चेंजर ही है, मस्कारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में क्योंकि इससे आपकी आईलिज आई लैशेज इतनी अच्छी लगती है, वॉल्यूम आ जाती है एंड बहुत सूदिंग लगती है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया। फिर अगेन मेरा न्यूट सा लुक हो रहा था, फिर मैंने बोल्ड लिपस्टिक ले ली जो है इनसाइड कॉस्मेटिक की। आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक कितना अच्छा आया है, टर्न आउट हुआ है मेरे सारे मेकअप में, मुझे शायद ये बहुत पसंद आया। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें।